एक बार एक व्यक्ति को अपने बगीचे के एक पौधे पर तितली का एक कोकून बना हुआ दिखाई दिया। तितली जब अंडे से बाहर निकलती है तो वह एक इल्ली की तरह होती है। तो जब यह इल्ली पौधों की पत्तियां खाकर बड़ी हो जाती है तो यह अपने मुंह से रेशम जैसे धागों को बनाकर अपने आसपास एक खोल बनाकर उसमें बंद हो जाती है और इसी खोल को कोकून कहते हैं। एनीवे, इस कोकून के अंदर ही यह इल्ली आश्चर्यजनक रूप से तितली के रूप में विकसित हो जाती है। तो एक दिन वह व्यक्ति रोजाना सुबह उस कोकून को बड़ी उत्सुकता से देखने लगा क्योंकि उसे इस प्रकृति की अनोखी प्रक्रिया को होते हुए देखना था। इसे होते हुए देखने की उसे बड़ी इच्छा हुई। तो एक दिन उसने देखा कि कोकून का मुंह कुछ खुला हुआ है। तो वह कुछ दिन तक उस कोकून को टकटकी बांधकर देखता रहा कि इसमें से किस प्रकार तितली बाहर निकलेगी। तो एक दिन उसने देखा कि कोकून का मुंह कुछ खुला हुआ सा है। वह उत्सुकता से भर गया और वहीं बैठ गया और वहीं बैठकर तितली को कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष करते हुए देखने लगा। तितली अपनी पूरी ताकत लगाकर कोकून को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह तितली संघर्ष करते हुए उस कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसे उस तितली को संघर्ष करते हुए दया आ गई और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस तितली की मदद कर दूं। और यही सोचकर उसने एक नुकीले तिनके की मदद से उस कोकून को खोल दिया ताकि तितली आसानी से बाहर निकल सके। अब ऐसे में तितली आसानी से बाहर निकल तो गई लेकिन उस तितली के शरीर में सूजन आ गई थी। उसका शरीर कुछ फूला हुआ दिख रहा था और पंख चिपके मुरझाए हुए थे। और फिर वह व्यक्ति इस इंतजार में तितली को देखता रहा कि वह कब अपने पंख खोलेगी और उड़ेगी। पर अफसोस, ऐसा कभी नहीं हुआ। उस तितली की बाकी बची जिंदगी जमीन में रेंगते हुए ही निकली, वह कभी नहीं उड़ सकी। अपनी दया और उत्सुकता की जल्दी में वह व्यक्ति समझ ही नहीं पाया कि कोकून की सख्त खोल को तोड़कर निकलने के लिए ही तितली का संघर्ष ईश्वर द्वारा बनाई गई एक आवश्यक तरकीब थी जिससे उस तितली के संघर्ष के दौरान तितली के शरीर का तरल और खून उसके पंख में पहुंचकर उसे फैला सके और वह अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि हमारी समझ बहुत छोटी है। इस प्रकृति, इस ईश्वर की बनाई हुई इस रचना के मुकाबले हम कुछ नहीं है। हम उस ईश्वर के छोटे से छोटे रहस्य को कभी नहीं जान पाते और शायद इसीलिए कभी कभी जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी होता है। अगर ईश्वर हमारी जिंदगी से सभी कठिनाइयां और संघर्ष हटा ले तो हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, हम ताकतवर नहीं बन पाएंगे। आज जितना भी डेवलपमेंट विज्ञान जगत में जो कुछ हमने हासिल किया है वो हमारी जरूरत बनी और फिर हमने संघर्ष किया और उस संघर्ष का फल आज हम भली भांति देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीवन में आप जिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं वही संघर्ष आपके उन शक्तियों का विकास कर रही है जिनकी जरूरत आपको कल पड़ेगी। याद रखना, आप ईश्वर से जो कुछ मांगते हो वह ईश्वर आपको भरपूर मात्रा में देता है। आप कहते हो कि मुझे ईश्वर असहनीय कष्ट दे रहा है। नहीं, हर व्यक्ति को कष्ट उतने ही मिलते हैं जितने वो सहन कर सकता है। उन कष्टों में भरपूर शक्ति होती है जिस शक्ति को आप देख नहीं पाते। आप ईश्वर से सफलता मांगते हो, ईश्वर आपको कठिनाई देता है ताकि आप तैयार हो सको उस सफलता के लिए। बस ईश्वर किसी भी कार्य में जल्दी नहीं करता क्योंकि वह आपके मैकेनिज्म को समझता है, आपकी जितनी बुद्धि है उसे समझता है। ये प्रकृति सब जानती है। जल्दी तो केवल हम इंसान ही करते हैं। हम समझते हैं वह ईश्वर ने दुनिया के सारे दुख केवल मुझे ही दे दिए हैं। मेरे दोस्त, आप मेरी एक बात ध्यान रखना, आप जितनी बड़ी सफलता चाहते हो संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा क्योंकि आपको उतना तैयार होने की जरूरत है। एक बड़ी सफलता बड़ा बलिदान मांगती है। होपफुली आप समझ गए होंगे और इस कहानी के निचोड़ को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करोगे।